अब गाइस एमसीयू में स्पाइडरमैन का फ्यूचर क्या है? स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद से डामाडोल लग रहा है स्पाइडरमैन का फ्यूचर, बट मेरे पास एक ऐसी थ्योरी है जिससे लिटरली ये प्रूफ हो जाएगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब लिटरली बहुत ज्यादा था। हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिला था वेनम के साथ एडी ब्रॉक हमारे एमसीयू वाले यूनिवर्स में आ गया था, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है वो उसी के साथ चले गए थे, बट जब गए थे ना उन्होंने एक सिम्बियोट उतना छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया था, पर उससे पहले उनको समझ नहीं आ रहा था जब वो मैक्सिमम बैठ के ड्रिंक कर रहे थे कि चल क्या रहे इस दुनिया में, तो उन्होंने सोचा था कि हमें स्पाइडरमैन से मिलने जाना होगा पीटर पार्कर हमारा टॉम हॉलैंड वाला, तो उन्होंने ये प्लान बनाया था पर वो चले गए थे, बट वहाँ पर सिम्बियोट छोड़ गए थे। अब गेस करो उस सिम्बियोट का होगा क्या आगे? अब वो अपनी तलाश में लग जाएगा स्पाइडरमैन एज ए पीटर पार्कर को ढूंढने के लिए, और जैसे तैसे वो ढूंढ के उस पर कब्जा कर लेगा, और बूम स्पाइडरमैन 4 आपकी रेडी है। और फिर स्पाइडरमैन 4 में यही होगा कि उसको नया सूट मिलेगा, उस सूट को वो एक्टिवेट करेगा, और ये सबसे परफेक्ट टाइम है। ना उसके पास अभी उसके फ्रेंड्स है, ना उसके पास अपना स्टार्क टैग वाला सूट है, तो उसके पास उसका अपना होम मेड वाला सूट है तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको एक अच्छा सूट चाहिए, तो यहाँ पे वेनम का सूट मिल जाएगा। मार्वल ने स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपने लिए खोल दी थी, और मेरे ख्याल से फेज 4 की सबसे बेस्ट मूवी नो वे होम थी।